पूरे देश के साथ साथ बड़ौद में भी शारदीय नवरात्र पर्व की धूम। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व पूरे देश के साथ साथ बड़ौद नगर में भी बड़े ही धूमधाम और आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नगर में स्थित प्राचीन श्री लाल माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में प्रतिदिन महाआरती के साथ साथ प्रसाद वितरण भी हो रहा है। महाआरती में शामिल होने के लिए प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आकर्षक विद्युत सस्ता के साथ सजे माँ के दरबार में बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर समिति से जुड़े और बरसों से इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु मुकेश राव धुले ने बताया, ये काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ साल भर भक्त दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्र के 9 दिनों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है कि यहाँ आए भक्तों को माँ खाली नहीं जाने देती है। आगर मालवा से फहीमुद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। ये बताइए ये कौन सा स्थान है और क्या इस स्थान का महत्व है और अभी जो है कौन सा त्यौहार चल रहा है और क्या कुछ जो आयोजन यहाँ किया जा रहा है। श्री लाल माता मंदिर समिति यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर इसका महत्व यह है कि यहाँ पर लाल माता, फूलबाई माता और जो देवास की टेकरी वाली जो माता चामुंडा माता वो भी निवासरत है, केसरबाई माता है यहाँ पर और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका सरस्वती माता भी यहाँ पर विराजमान है और यहाँ हर वर्ष श्री लाल माता मंदिर समिति की ओर से और बड़ौद की नगर की जनता की ओर से यहाँ उत्सव मनाया जाता है, नवरात्रि उत्सव। और यहाँ से अभी रविवार के रोज चुनर यात्रा समिति के माध्यम से निकाली जाएगी जो कि नगर के करीब ही माताजी के मंदिर के स्थान पर जो अर्धशिला माताजी है वहाँ तक यहाँ से चुनर यात्रा जाएगी और इसी प्रकार यहाँ पर उत्सव जो मनता है वो सभी नगर के जनता के द्वारा मनाया जाता है। साथ में कन्या भोज का आयोजन किया जाता है जो नगर का सबसे बड़ा कन्या भोज होता है जिसमें नगर की तो कन्या भोज में आती है, साथ में आसपास ग्रामीण क्षेत्र की भी कन्या भोज में आती है, ऐसा महाकन्या भोज यहाँ पर किया जाता है।